सिम्बा जो है वो रिलीज हो गई है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में लीड रोल में है रणबीर सिंह और सारा अली खान, जो कि पहली बार फिल्म में नजर आ रहे हैं एक साथ। फिल्म की जो कहानी है वो मुंबई के बेस्ड संग्राम भाले राव की है, जो बचपन से ही सपना देखता है कि अगर उसे पैसा कमाना है तो उसके पास पावर होना चाहिए, और सिम्बा को जो है वो पावर मिलता है वर्दी से। अब सिम्बा जो है बड़ा होता है और पुलिस ऑफिसर बन जाता है, लेकिन जो है वो जायज और नाजायज तरीके से पैसा कमाता है। इसी बीच सिम्बा का जो ट्रांसफर होता है वो गोवा हो जाता है। उसके बाद सिम्बा की लाइफ पलट जाती है, क्योंकि यहाँ उसकी मुलाकात होती है शगुन से। शगुन का रोल प्ले किया है सारा अली खान ने, और शगुन को देखकर सिम्बा जो है उनके प्यार में पड़ जाते हैं, और दोनों की जो है दोस्ती होती है, प्यार होता है, और ढेर सारा खूबसूरत सा गाना भी बजता है। और यहाँ पर सिम्बा की जो कहानी है वो आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होता है कि सिम्बा की जो पूरी लाइफ है वो बदल जाती है। आखिर कहानी में आगे क्या होता है, और सिम्बा जो थाने में पोस्टेड है आखिर वो कैसे एंग्री मैन बन जाते हैं फनी मैन से, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात की जाए रणबीर सिंह की एक्टिंग की, तो बाय गॉड रणबीर सिंह ने इस फिल्म के पहले हाफ में बहुत शानदार एक्टिंग की है। इसमें आपको उनका दबंग अंदाज दिखेगा, तो चुलबुल पांडे वाली शरारत भी नजर आएगी, साथ ही में वो अजय देवगन के सिंघम स्टाइल में भी एंट्री मारते हैं। यानी कि टोटल पैकेज है जो रोहित शेट्टी ने जो है सिम्बा के साथ प्रेजेंट किया है, और इसे देखकर आप जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर बात की जाए सारा अली खान के साथ उनकी जोड़ी की, तो सारा अली खान और रणबीर सिंह पहली बार एक साथ नजर आ रहे हैं, और इससे पहले सारा अली खान जो है केदारनाथ में नजर आई थी सिंपल और स्वीट लड़की के रोल में, और वहीं इस फिल्म में भी उनका किरदार मिलता जुलता है, स्वीट एंड सिंपल लड़की के रोल में है, और सिम्बा के साथ उनकी जोड़ी जबरदस्त लगी है। तो भाई अब बात कर लेते हैं फिल्म के म्यूजिक की, तो फिल्म के जो म्यूजिक है वो पहले ही धमाल मचा रहा है। गाना आंख मारे जो रिक्रिएट हुआ है वो भी चार्ट बस्टर नंबर वन पे चल रहा है, वही सोनियो गाना भी नंबर वन है। यानी कि फिल्म का म्यूजिक भी धमाकेदार है, फिल्म का एक्शन भी शानदार है, और रणबीर सिंह की जो एक्टिंग है वो पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ है, जो आपका दिल जरूर जीतेगी। अब अगर बात की जाए फिल्म की कमजोर कड़ी की, तो फिल्म की कमजोर कड़ी जो है फिल्म के सेकेंड हाफ में है, जो कहानी को थोड़ा सा झोलमोल कर देती है। लेकिन भाई साहब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ये फिल्म अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। अगर यकीन ना हो तो दर्शकों से पूछ लीजिए जो सिम्बा देख कर आए हैं, आखिर उन्हें ये फिल्म लगी कैसी। फिल्म अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, विजुअल इफेक्ट्स का बहुत अच्छा इसमें इस्तेमाल किया गया, और अभी तक जैसे कि हम लोग इंडियन फिल्मों से कंपेयर करें तो इंडियन फिल्में भी बिल्कुल ऐसी इसके करीब पहुंच रही हैं। तो अगर साइंस की बात की जाए तो इसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया, अगर काफ़ी अच्छी मूवी थी, देखना चाहिए सबको। रोल बहुत अच्छा था, मतलब रणवीर सिंह हमेशा एक नए नए रोल में रोल लेकर आते हैं। फिल्म बहुत अच्छी थी, बेस्ट एक्टिंग इन दिस मूवी, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, और तीनों हीरो आ गए थे लास्ट में, वो भी अच्छा लगा। कैसी लगी सिम्बा? ऑसम मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत ज़्यादा ही फनी कॉमेडी थी। इट वाज वेरी नाइस मूवी, फैंटास्टिक, आई लव इट, वेरी नाइस मूवी। जरूर मैं तो कम से कम दो से तीन बार देखने के लिए बोलूं। बहुत अच्छी थी। कैसी स्टोरी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी। अब मुझे भी इंस्पेक्टर बनना है बड़े होकर, मुझे भी बनना है इंस्पेक्टर बड़े होकर। अच्छी लगी लेडीज के ऊपर, और ऐसा ठीक किया उन्होंने जो भी किया, एकदम बढ़िया थी। सिम्बा ने भी जो भी रोल किया है और जो भी मैसेज दिया है वो बहुत सही है, और उस तरह से सपने रहना चाहिए, यानी लड़कियों ने डर के नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी लगी मूवी, और मेनली उसमें एक्शन सीन्स अच्छे हैं, और रणवीर सिंह है तो कोई इशू ही नहीं है। बहुत रद्दी पिक्चर है। हाँ ठीक है, पैसा वसूल नहीं है, नहीं है मैडम। सिंघम टू के मतलब थ्री है, मतलब सिंघम थ्री है बोल सकते हैं इसको, और बढ़िया एक्शन भी अच्छा है इसमें, और मुझे तो अच्छी लगी।
अपने दर्शकों को जो है रणवीर सिंह का एक्शन अंदाज खूब पसंद आ रहा है, वहीं सारा अली खान के साथ इनकी जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। वहीं फिल्म की जो कहानी है वो भी खूब इंटरटेनिंग है, मतलब ये फुल ऑन मसाला मूवी है जिसमें आपको एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलेगी जो कि मारधार में नंबर वन है, दुश्मनों को धूल चटाने में नंबर वन है और इंटरटेनमेंट के हिसाब से भी नंबर वन है। यानी कि टोटल मसाला मूवी जो रोहित शेट्टी की फिल्मों में आपको देखने को मिलती है वही इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से रणवीर सिंह और सारा अली खान की सिम्बा को 4 स्टार। तो साल जो है वो खत्म हो रहा है और ये साल की आखिरी फिल्म थी। अब आपसे मुलाकात होगी नए साल पे, यानी कि साल 2019 में नई फिल्मों के साथ, नए धमाके के साथ। तो फिलहाल मुझे दीजिए जाने के लिए इजाजत। नमस्कार।